सुशांत सिंह राजपूत केस में रोजाना बांद्रा पुलिस स्टेशन कोई ना कोई जरूर जाता है, और हालांकि ऐसी ऐसी बातें बाहर निकल के आती हैं रोजाना, जिसको सुन के रोज जो है हमारे दिमाग के अंदर सवाल जो है वो सुलझने की बजाय और उलझ जाते हैं। ऐसे में रूमी जाफरी जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ में एक लव स्टोरी पे काम करने वाले थे, उनका बयान सामने आया है कि आखिरकार बांद्रा पुलिस को उन्होंने क्या बयान दिया है। क्या बयान दिया है उन्होंने, बताऊंगी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं रिदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइन। यकीन ना कर देने वाली ऐसी सच्चाई सामने आ रही है, जिसको जब भी कोई पूछताछ के लिए पहुंचता है तो हम ये सोचते हैं कि आज हमारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, आज हमारी उलझन जो है वो कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। हमारी उलझने और बढ़ती चली जाती है, हमारे सवाल पहले से और ज्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन जवाब अंत में सिर्फ यही मिलता है कि अभी थोड़ा वक्त और, अभी ये लीड जरूर मिलेगी जिससे सॉल्व हो जाएगा सुशांत सिंह राजपूत केस, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। पहले हाल ही में मैंने आप लोगों को बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त और डायरेक्टर रूमी जाफरी पहुंचे हैं पुलिस स्टेशन, जिसमें उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार उनके साथ में क्या उनका रिश्ता था, क्या आपको पता है उनके साथ में क्या हो रहा था, क्या डिप्रेशन की वजह थी। इन सभी बातों के बारे में रूमी से जानने की कोशिश की, जिसमें रूमी ने एक बड़ा खुलासा किया कि सुशांत सिंह राजपूत को हिंदुजा हॉस्पिटल में सो मेनी टाइम्स एडमिट किया गया था बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है कि सुशांत सिंह राजपूत 6-7 महीने में कई बार हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं डिप्रेशन के चलते। यहाँ तक कि आपके मन में यही सवाल आएगा कि जो मीडिया हर सेलिब्रिटी के पीछे पीछे भागती रहती है और उनकी फोटोग्राफ्स, उनकी इन्फॉर्मेशन जो निकालती रहती है, उस मीडिया तक ये खबरें कैसे नहीं पहुंची। तो मैं आपको बता दूं कि इस बात की लीपापोती भी बहुत ही आराम से की गई है। हमें यहाँ तक ये नहीं पता चलने दिया कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के साथ में क्या चल रहा है। हमें ये बताया गया था कि सुशांत सिंह राजपूत को डेंगू हुआ है और जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में आना जाना, एडमिट वगैरह ये सब चीजें चल रही है। तो यही कुछ कारण है जिनकी वजह से सुशांत सिंह की लाइफ के बारे में हम ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो नहीं जान पाए हैं। फिलहाल मैं आपको एक बात और बताऊंगी कि यहाँ पर रोमी ने एक बात और को क्लियर किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि शुरुआत के दौर पर रिया चक्रवर्ती ने भी उन्हें नहीं बताया था कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत को हॉस्पिटल में एडमिट क्यों किया जा रहा है। उन्होंने भी यही बोला था कि उन्हें डेंगू है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। लेकिन हाँ, कुछ समय के बाद में ही मुझे रिया ने और सुशांत ने दोनों ने ही इस बात के बारे में बता दिया था। ऐसे में रूमी जाफरी, सुशांत और रिया चक्रवर्ती दोनों के साथ में ही एक लव स्टोरी प्लान कर रहे थे, एक लव स्टोरी पे काम कर रहे थे, जो कि इस मतलब आने वाले साल में जिसकी शूटिंग शुरू हो जाती। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं रहे, वो लव स्टोरी, वो फिल्म जो है वो वहीं पर ही डब्बा बंद हो चुकी है। ऐसे में रूमी जाफरी के इस बयान ने लोगों के दिमाग के सवालों को और ज्यादा घुमा दिया है। आपका क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।